अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। चल आज हम लोग पागड़ी के अंदर तीसरी रीत स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है अधिक नफा की रीत। अधिक नफा की रीत अगर आप लोगों को सीखनी है तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो कि आप लोगों को फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद है तो ही ये तुम्हारे को दाखला आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक लाइन में बोल देता हूँ तुम्हारे को कि ये रीत का अगर दाखला सीखना है तो तुम लोग को फॉर्मेट पक्का करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं पहले फॉर्मेट समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट मतलब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। चलो फॉर्मेट, स्टेप नंबर एक, रोकाली मुड़ी। तो रोकाली मुड़ी को हम लोग बोलते हैं कुल मिलकर माइनस कुल देवा। ठीक है, स्टेप नंबर दो, अपेक्षित वर्तन उधर। ये हमेशा हमारे का दे देगा, रकम में दे देगा। ठीक है, 10%, 12%, 8% ऐसे। ओके, स्टेप नंबर एक खबर पड़ी, क्या करने का, कुल मिलकर माइनस कुल देवा। स्टेप नंबर दो खबर पड़ी। चल अब स्टेप नंबर तीन, अपेक्षित नफो। सर ये अपेक्षित नफो मतलब क्या? तो अपेक्षित नफो को मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, स्टेप नंबर एक गुणिया स्टेप नंबर दो। अगर मैं फॉर्मेट की रिश्ते बोलू तो रोकाली मुड़ी गुणिया अपेक्षित वर्तनो दर। आगे समझ में? तो स्टेप नंबर एक कंप्लीट, दो कंप्लीट और तीन कंप्लीट। अब आया स्टेप नंबर चार, सरेरास नफो। सरेरास नफो के लिए थोड़ी डिस्कशन ज्यादा होगी, ध्यान से सुनो। हमारे को सरेरास नफो के लिए वो हमारे को एक पर्टिकुलर नफो दे देगा। अब नफो दे देगा तो हमारे नफो को चेक करना है, क्या नफा वधता घटता है। अगर वधता घटता है तो हम लोग सादी सरेरास की रीत लगाएंगे, मतलब सरेरास नफा की रीत लगाएंगे। लेकिन मान लो नफो वधता दिया हुआ है तो फिर भारित नफो की रीत लगाएंगे। मतलब दोनों रीत नहीं लगानी है, दोनों में से एक लगानी है और वो हमारे को जज करना है कौन सी रीत लगानी है। वो हम लोग उसका नफो देखेंगे और उसमें से हमारे को पता चलेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर चार भी हमारा अच्छे से पूरा, सरेरास नफो। ठीक है, स्टेप नंबर पांच, अधिक नफो। तो इसके लिए भी मैंने एक पैटर्न बनाई हुई है, स्टेप नंबर चार माइनस स्टेप नंबर तीन, मतलब के सरेरास नफो माइनस अपेक्षित नफो। आगे समझ में? पक्का? एक और बात, मान लो कि तुम सरेरास नफो में से अपेक्षित नफो बात करोगे, चलो प्लस में आया तो तुम स्टेप नंबर छह करोगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारा जवाब ये माइनस में आता है, स्टेप नंबर पांच का जवाब माइनस में आता है तो तुम पागड़ी कर दोगे जीरो। ये एमसीक्यू में भी आता है। ठीक है, तो मान लो कि अधिक नफो तुम्हारा माइनस में आता है तो तुम्हारे पागड़ी नहीं गिनने की, पागड़ी बराबर तुम क्या रख दोगे, जीरो। लेकिन मान लो इसका जवाब तुम्हारा प्लस में आया तो तुम्हारे पागड़ी गिनने की। तो पागड़ी का सूत्र क्या है सर? अधिक नफो मतलब स्टेप नंबर पांच गुण या खरीदना वर्षों कहा देता है, रकम के ऊपर। आगे समझ में? तो ये तो टोटल छह स्टेप जो तुम्हारे को अच्छे से याद करने, अगर ये याद है तो ही तुम लोग दाखला कर सकते हो। देखो एक बार मैं वापस ही पूरा बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आएगा रोकाली मुड़ी। तो रोकाली मुड़ी मतलब क्या होता है? कुल मिलकर माइनस कुल देवा। ठीक है, स्टेप नंबर दो, अपेक्षित वर्तमान दर, वो हमारे को रकम में दे देगा। स्टेप नंबर तीन, अपेक्षित नफो, क्या करेंगे, रोकाली मुड़ी गुणिया अपेक्षित वर्तमान दर। स्टेप नंबर चार, सरेरास नफो, कितनी रीत हो सकती है, दो, दोनों में से कोई एक, हम उसका नफा देखेंगे और नफे पे से चेक करेंगे कि सरेरास नफे की रीत लगेगी कि भारी नफे की रीत लगेगी। ओके, स्टेप नंबर पांच, अधिक नफो। अधिक नफो का मैंने पैटर्न बनाई है, स्टेप चार माइनस स्टेप तीन, या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं सरेरास नफो माइनस अपेक्षित नफो। अगर इसका जवाब प्लस में आया तो हम लोग स्टेप नंबर छह करेंगे, अगर जवाब इसका माइनस में आया तो हम पागड़ी बराबर क्या कर देंगे, जीरो। स्टेप नंबर छह, पागड़ी। तो अधिक नफो मतलब स्टेप नंबर पांच गुण या खरीदना वर्षों। आवे या ना आवे तो वीडियो को स्टॉप करो, पहले अच्छे से फॉर्मेट लिख लो, फिर हम लोग समझ सीखेंगे। ओके, चल चल उदाहरण नंबर पांच, सब लोग शांति से रकम पढ़ लेंगे और मैंने रकम यहां लिख दी है तो तुम लोग इधर भी ध्यान दे सकते हो। उदाहरण नंबर पांच, प्रतिभा ने पुष्पा मिलकर तो 12 लाख, देवा 4 लाख, अपेक्षित वर्तन दर 10%, खरीदना वर्ष 3 वर्ष और ये कोष्टक दिया हुआ है। फिर भी तुम लोग एक बार रकम देख लेना, कहीं मेरी भूल तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, चल वर्ष 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 1,30,000, 1,10,000 और 1,20,000। ठीक है, तो अधिक नफा की रीत का अगर दाखला करना है तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट याद है तो तुम लोग अच्छे से दाखला कर सकते हो। चलो स्टेप नंबर एक, रोकाली मुड़ी। तो रोकाली मुड़ी का मतलब क्या होता है, कुल मिलकर माइनस कुल देवा। तो देखो कुल मिलकर कितनी है, 12 लाख।
उसके बाद कितना है 4 लाख, तो बाहर कितना आ गए 8 लाख, इजी। चलो स्टेप नंबर 2, अपेक्षित वर्तनों दर। क्या बोला था मैंने, रकम ही दे देगा। देखो कितना दिया हुआ है 10%, तो देखो आगे 10%। कंप्लीट स्टेप नंबर 2 भी, फॉर्मेट के ऊपर है सब, फॉर्मेट यार, तो तुम्हारा दाखला इजी। चलो स्टेप नंबर 3, अपेक्षित नफो। पैटर्न क्या बनाई थी, स्टेप नंबर 1 गुणिया स्टेप नंबर 2, या तो रोकायली मूड़ी गुणिया अपेक्षित वर्तन नो दर। तो रोकायली मूड़ी कितनी आई 8 लाख, और अपेक्षित वर्तन दर कितने टका 10%, तो 8 लाख के 10% कितने हो गए 80,000। ठीक है, एक और बात, रोकायली मूड़ी का दूसरा नाम चोखी मिलकत। कई बार तुम लोगों को रकम में मिलकत और देवा नहीं देगा, डायरेक्ट यू बोल देगा चोखी मिलकत, तो इसका मतलब क्या, ये मिलकत माइनस देवा नहीं करने का, फिर डायरेक्ट 8 लाख ही रख देने की, ऐसे वहां माइनस प्लस ना हुआ। कब, जब मिलकत देवा की जगह तुम्हारे को क्या लिखा हुआ दिया हुआ है चोखे मिलकत, तो चोखे मिलकत का दूसरा नाम रोकाली मुड़ी, वो डायरेक्ट हो जाओ, वो जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब आया स्टेप नंबर 4, सरेरास नफो। तो सर तुमने क्या कहा था कि नफा चेक करेगा, तो चलो अपने नफा चेक करते हैं। तो यह नफो हम लोग को 3 साल का दिया हुआ है, 1 30 1 10 और 1 20। तो सर नफा बड़ा, फिर कम हुआ, फिर बड़ा, मतलब सर सरेरास नफा गिरी, मतलब कि सादी सरेरास नफा गिरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले कोष्टक बना लेंगे। स्टेप नंबर 4 सरेरास नफो, वर्ड्स लिखा, नफो लिखा, अच्छा सी पेंसिल फुटपट्टी से बनाने का। ठीक है, इसका टोटल 360,000, तो सरेरास नफो बराबर कुल नफो भाग्या वर्षों, तो 360,000 भाग्या 3, तो कितना आ गया 1,20,000। मतलब स्टेप नंबर 4 का जवाब भी हमारे पास आ गया 1,20,000। इजी क्या, ये स्टेप पहली दी तो यार, ओके। चलो स्टेप नंबर 5 अधिक नफो। तो अधिक नफो का सूत्र क्या लगाते हैं, पैटर्न भी बताए थे, स्टेप 4 माइनस स्टेप 3, यानी के सरेरास नफो माइनस अपेक्षित नफो। तो सरेरास नफो तो 1,20,000 आया और अपेक्षित नफो आया 80,000, तो 1,20,000 में से 80 गए तो कितने बचे 40,000। इसी के आड़ पक्का। चलो स्टेप नंबर 6 पागड़ी। तो पागड़ी के लिए मैंने क्या बोला था, स्टेप 5 गुणिया खरीदना वर्षों, मतलब के अधिक नफो गुणिया खरीदना वर्षों। तो अधिक नफो कितना है हमारा 40,000 गुणिया खरीदना वर्षों, कितने बोले वो उसने, कितने बोले 3 वर्ष, तो 40,000 गुणिया 3, तो 1,20,000। मतलब हमारी पागड़ी पे हम लोग बॉक्स बना देंगे कि हमारी पागड़ी 1,20,000 आए। इजी पक्का। चलो तो ये था तुम्हारा अधिक नफा की रीत का दाखला। शांति से फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट याद करो, और फॉर्मेट के अंदर खाली कीमत रखते जाओ, जवाब आएगा बेटा, समझ पड़ी सबको। और मैं इसका होमवर्क डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है, तो तुम लोग होमवर्क भी कर लेना। चलो।